अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है तुर्की इस्तांबुल में जो फैक्ट्रीज़ में टाइमिंग चलती हैं उसके बारे में है। तो दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि इधर जो टाइमिंग की रूटीन्स हैं वो तकरीबन चार किस्म की हैं। और जो ड्यूटी टाइमिंग है वो सुबह 8:30 से लेकर शाम 7:30 बजे तक है, तकरीबन 11 घंटे के करीब बनता है। और उसमें तकरीबन 11 घंटों में से 1.5 घंटा ब्रेक्स होती हैं। तो इन जो सबसे नॉर्मल रूटीन है, जो पहले नंबर पे आती है नॉर्मल रूटीन है, उसके बारे में अगर आपको मैं आगाह करूँ तो वो है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये नॉर्मल रूटीन चलती है एक हफ्ते में। और हफ्ते वाले दिन जो है वो हाफ डे होता है, हाफ डे। तो दोस्तों, इसमें जो है वो सुबह 8:30 बजे आपने हाजिर होना होता है फैक्ट्री में। 8:30 बजे के बाद जो आपको ब्रेक होती है वो है सुबह 10 बजे, 15 मिनट की ब्रेक है नाश्ते के लिए। तो उसमें चाय जो है वो आपको मिलती है फैक्ट्री की तरफ से, और चाय के साथ जो आप खाना चाहें वो आपका दिल है, आप खा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो सेकंड ब्रेक आती है लंच ब्रेक, और वो लंच जो होता है फैक्ट्री की तरफ से होता है, या तो पैसे मिलते हैं और या फिर लंच जो है वो फैक्ट्री की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो वो 1 बजे होती है ब्रेक, 1 बजे से 2 बजे के दरमियान लंच ब्रेक होती है। उसके बाद 2 बजे के बाद 4 बजे एक ब्रेक होती है, वो भी 15 मिनट है, 15 मिनट की होती है। 15 मिनट में दोस्तों चाय जो आती है वो फैक्ट्री की तरफ से होती है, ठीक है। ये इधर की जो है फैक्ट्री की रूटीन है। और अगर हम बात करें तो इधर टोटल चार किस्म की रूटीन्स हैं। चार किस्म की रूटीन में से दो किस्म की ऐसी रूटीन है जिनमें हफ्ते में हाफ डे होता है, और जो दो किस्म की रूटीन है उनमें हफ्ते में फुल डे छुट्टी होती है, ठीक है। तो अगर मैं हाफ डे वाली रूटीन एक तो मैंने आपको बता दी है, दूसरी की बात करूँ वो है तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक, उसमें भी यही 1 घंटा ब्रेक होती है और 15 15 मिनट, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटा की ब्रेक होती है। और जो हफ्ते वाला दिन हाफ डे और संडे फुल डे जो है ना वो ऑफ होता है, ठीक है। तो अगर हम हफ्ते की छुट्टी वाले की तरफ बात करें जिसमें हफ्ते की छुट्टी होती है, वो रूटीन ये ऐसे है कुछ कि या तो सुबह 8:30 बजे से शाम 8 बजे तक, यानी टोटल ये तकरीबन 11.5 घंटे बनते हैं, और 11.5 घंटों में वही 1.5 घंटा ब्रेक होती है। तो एक और रूटीन है जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होती है, 7:30 बजे तक होती है। उसमें भी हफ्ते की जो है होती है वो फुल डे छुट्टी होती है, लेकिन उसमें ब्रेक जो होता है ना, ब्रेक का 1 घंटा नहीं होता, तकरीबन या तो हाफ आवर होता है या फिर जो है ना 45 मिनट्स होते हैं। तो उसमें ही आपने ब्रेक जो है 15 मिनट कम दी जाती है। तो आपको हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आपको छुट्टी दी जाती है। तो ये थी दोस्तों रूटीन्स फैक्ट्रीज़ की, ठीक है, जो डेली रूटीन वर्क रूटीन है, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल बात करें तो वो भी तकरीबन यही इनकी रूटीन है, सुबह 8:30 के दरमियान ही है जो हर ड्यूटी का जो वर्क का जो काम है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे बोला था कि इस्तांबुल में जो है वो क्या टाइमिंग है, तो इसलिए उसके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो बताएं, ठीक है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ नए नए आइडियाज़, नए नए बिजनेस, नए नए और नए नए खास तौर पर वर्क जिसे एक पाकिस्तानी अच्छे से अच्छी इनकम हासिल कर सकता है वो आपको देता रहूँगा। मेरी अपडेट्स के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अल्लाह हाफिज़।